नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट सर्जन जी इसमें आपका स्वागत है। ICARI टेक्नीशियन एग्जाम की एक बहुत बड़ी अपडेट जारी की गई है, तो चलिए हम ICAR के साइट पे चलते हैं और आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, जरा सा भी आप स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम ICAR के साइट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको टाइप करना है ICARI RIS.in, ये आ जाएगा दोस्तों, ओपन ये ओपन हो जाएगा। आपको देखिए फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है WWAARI RIS.in, इसी पे आपको क्लिक करना है। पे आपको क्लिक करना है, साइट ओपन होगा। साइट ओपन होने के बाद देखिए दोस्तों, हम ICAR के साइट पे आ चुके हैं। ICAR के साइट पे आने के बाद दोस्तों आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देखिए बीच में ICARI पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन T1, इस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों पे आपको क्लिक करने के बाद में देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट में देखिए लिखा हुआ दोस्तों, नोटिस ऑफ वैकेशन सेंटर। नोटिस ऑफ वैकेशन सेंटर इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको सेंटर पे क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और किसी प्रकार का आपको करेक्शन होगा वो सारी सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो मैं ओपन कर लेता हूँ दोस्तों, मैं सब कुछ आपको लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ दोस्तों, जरा सभी आपको शक संदेह ना हो कि ये झूठा है गलत है, आप खुद देख लीजिए, उसके बाद में आप खुद विश्वास होगा दोस्तों। देखिए नोटिस है दोस्तों, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए उसका नोटिस है दोस्तों 79 है। उसका जो अपना आता है रिक्रूटमेंट सेल से जो टेक्नीशियन का आता है उसी का 19/2/2002 को ये दोस्तों डेट हुआ है नोटिस। इसके बाद में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिस में। देखिए दोस्तों सब्जेक्ट में लिखा है दोस्तों कि ICARI कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी हेल्ड ऑन 22 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च एंड 5 मार्च। ये तो दोस्तों आपको खुद पता होगा, अगर आप ICAR की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको खुद पता होगा कि डेट ऑफ एग्जाम है जो 22 फरवरी को होने वाला है, 2 मार्च को होने वाला है, 4 मार्च को होने वाला है और 5 मार्च को होने वाला है। दोस्तों उसी के बारे में कुछ नोटिस है, यहाँ देखिए दोस्तों नीचे लिखा हुआ दोस्तों, एरर इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट एंड वैकेशन सेंटर। आपके सेंटर पे क्या क्या एरर आया, मतलब कुछ गड़बड़ी जो हुआ है आपके फॉर्म भरने में, के बारे में बताया दोस्तों, क्या एरर आया जो आपको सेंटर पे उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए हम थोड़ा सा आगे स्किप करते हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा आगे स्किप करने के बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको अच्छा तरीका से समझा देता हूँ। अब जरा सा भी अगर स्किप करते हो तो आपको समझ में नहीं आए। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ दोस्तों कि विथ रिफरेंस टू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टू बी हेल्ड 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च एंड 5 मार्च 2022 को फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन T1, वी इन्फॉर्म द कैंडिडेट्स डैट इन द केस ऑफ एनी मिस्टेक एरर इन द डाटा एंट्री ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फेज, द कैंडिडेट हैज टू बी फिल एन एरर डिक्लेरेशन फ्रॉम द देयर एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ देयर एग्जामिनेशन, द एरर डिक्लेरेशन फ्रॉम विल बी प्रोवाइड एट एवरी एग्जामिनेशन सेंटर। कहने का मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपको जिस भी सेंटर में आपका एग्जाम जाएगा, जिस भी सेंटर में आपको किसी भी तारीख को, 2 मार्च का हो, 28 फरवरी का हो, या 4 मार्च का हो, या 5 मार्च का हो, किसी भी डेट में आपका एग्जाम हो तो आपके सेंटर पे एक एरर एप्लीकेशन दिया जाएगा दोस्तों, एक एरर एप्लीकेशन आपको दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप करते समय किसी प्रकार का आपने गलत किया है, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, माता का नाम हो, पिता का नाम हो, या आधार कार्ड, या किसी प्रकार का भी अगर आपको गलत हुआ हो, जो आपको लगता हो कि नहीं मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, नहीं मेरा नाम में करेक्शन है, मेरा पिताजी का नाम गलत है, या आधार कार्ड मेरा गलत चढ़ गया, या किसी प्रकार का ईमेल आईडी पर किसी प्रकार का भी आपको एरर लगता है कि नहीं ये आगे चल के हमको अगर दिक्कत होगा, तो उस दिन आपको एरर एप्लीकेशन लिख दिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है एरर डिलीगेशन, आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पूरा क्लियर करके लिखा है दोस्तों, आपको एग्जाम सेंटर पे एक एरर एप्लीकेशन दिया जाएगा। तो आपको उस एरर एप्लीकेशन में भरना कि मेरा माँ का नाम गलत हुआ, या भाई का नाम गलत हुआ, सॉरी भाई आपका नाम गलत हुआ,
फादर का नाम गलत हुआ, या आपका आईडी कार्ड से कोई रिलेटेड किसी प्रकार का आपने दिया परिचय पत्र उससे आपको गलत होता है, किसी प्रकार का आपको गलत होता है तो एरर एप्लीकेशन में आपको भरना है दोस्तों, और वो एग्जाम सेंटर पे आपको मिलेगा, एग्जाम सेंटर पे ही आपको मिलेगा दोस्तों। ये सबसे बड़ी आईसीआर की खासियत हुई जो सारे लड़कों को प्रॉब्लम सोल्व होगा। किसी भी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लेकिन आईसीआर बहुत बड़ी सुविधा दी है दोस्तों। देखिए लिखा फैसिलिटेशन सेंटर अलोंग विद एडिट टू बी होस्टेड आईसीआरआई वेबसाइट शॉर्टली द कैंडिडेट विद एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेरीज मे बी विजिट फैसिलिटेशन सेंटर फॉर रिस्पॉन्स और टू द क्वेरीज। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का अगर और समस्या हो तो आईसीआर के साइट पर मैं आपको दिखाऊंगा एक क्यू ये सुविधा उपलब्ध कराएगी आईसीआर। उस पर भी आप उनसे सवाल जवाब ईमेल आईडी के थ्रू आप भेज सकते हैं कि सर मेरा ये चीज गलत हुआ या मेरा सही हुआ। ये सबसे बड़ी अपडेट दी है दोस्तों आईसीआर। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी पता चल सके कि हाँ किस प्रकार की अपडेट है। ये अपडेट बताने से दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आगे चलकर अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है, आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है तो आप ये एरर एप्लीकेशन अगर आप नहीं डालते हो तो उसमें आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान दें और अपने दोस्त के साथ पक्का शेयर करें दोस्तों, ताकि किसी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय दोस्त, जय भारत।